इस कवि सम्मेलन की कुछ वो पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में इससे सर्वश्रेष्ठ नहीं लिखा है, इससे श्रेष्ठ नहीं लिखा वो श्रेष्ठ पंक्तियां मैं आपको, मेरी जो मैंने भगवा पर लिखी है। बहुत अद्भुत पढ़ा है भाई सुनील धाकड़ ने, एक बार उसके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए अपने घर के आंगन की तुलसी के सम्मान में। साहब इस भगवा के दम पर क्या हुआ, वर्तमान में जो लहर चल रही है भगवा आपने भी ओढ़ रखा है, आपका भी कलर मिलता जुलता है, थोड़ा मैंने पहन रखा है, आपके सिर पर बंधा हुआ है, कितनों ने धारण किया हुआ है, पांडाल में काफी रंग दिखाई दे रहा है भगवा के सर। क्या हुआ इस भगवा के दम पर और क्या होगा और क्या है भगवा, पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर आपको बात सच्ची और अच्छी लगे तो इस मंच तक आप लोग तालियां पहुंचाना। एक बड़े कवि जो उम्र में तो बड़ा नहीं है परंतु शब्द शिल्प में बहुत बड़ा कवि है, मैं आपसे निवेदन करता हूं केवल 4 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाएं, इस कोलाहल को बंद कर दीजिए केवल 4 मिनट के लिए। आप खुद सोचेंगे इस कवि ने जो दावा किया था शत प्रतिशत उसने पूरा किया है। केवल 4 मिनट के लिए आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। क्या हुआ इस भगवा के दम पर, किस इस भगवा के दम पर हमने विकृति को मिटाया, इस भगवा के दम पर हमने संस्कृति को बचाया, इस भगवा के दम पर यूपी अपराध मुक्त हुआ, इस भगवा के दम पर असम अवसाद मुक्त हुआ, इस भगवा के दम पर भारत भारत दिखने लगा है, इस भगवा के दम पर नई भारत लिखने लगा है, इस भगवा के दम पर भारत भारत दिखने लगा है, इस भगवा के दम पर नई भारत लिखने लगा है, इस भगवा के दम पर इलाहाबाद प्रयागराज हुआ, इस भगवा के दम पर हमें स्वयं पर नाज हुआ, इस भगवा के दम पर दुख की बदलियां छटी और इसी भगवा के दम पर 370 हटी। तालियां बहुत कमजोर रह गई है, मैं सच कह रहा हूं, अभी तक मैंने उस लिफाफे के 21,000 रुपए नहीं निकाले हैं जो मुझे 24 अक्टूबर को बोलिया गरोट मंदसौर पशुपतिनाथ की पावन धरती से कवि सम्मेलन पढ़ के आया, 5,000 दिए और एक सामने बैठे हुए आयोजक ने मुझे कहा कि आपको 23 अप्रैल हनुमान जयंती पर आना है और 21,000 का लिफाफा उन्होंने मेरी जेब में रख दिया। उस लिफाफे से मैंने 21,000 रुपए गिनकर फिर रख दिए, अभी निकाले नहीं और मुझे पढ़ने जाना, केवल इस कविता के बाद उन्होंने ये किया मेरे साथ। तालियां बहुत कमजोर रह गई है, मैं पुनः पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आगे की, इस बार आपका साथ मिले। सब भगवा के दम पर क्या हुआ, किस इस भगवा के दम पर तिलक शिखा का मान बढ़ा, इस भगवा के दम पर हिंदू आज एकत्रित खड़ा, इस भगवा के दम पर हम पीओके आज अपना लगा है, इस भगवा के दम पर हर हिंदू का स्वाभिमान जगा है, इस भगवा के दम पर हमने सच्चे इतिहास को जाना, इस भगवा के दम पर हमने मुगलों को पहचाना, इस भगवा के दम पर कई गौ माताएं बची, इस भगवा के दम पर तीर्थ नगरियां सजी, इस भगवा के दम पर देश का कचरा छन रहा है और इसी भगवा के दम पर श्री राम का मंदिर बन रहा है। क्या बात है, क्या बात है जय, वाह 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 वाह, जोरदार तालियां बजाए, जो ज्यादा ताली बजाएगा 21,000 में से एक एक नोट उनको दिया जाएगा। जोरदार तालियां बजाए, एक बार बोलिए प्रभु श्री राम की, वाह जय जय। इस भगवा के दम पर देश का कचरा छन रहा है और इसी भगवा के दम पर श्री राम का मंदिर बन रहा है। अभी तक जो हाथ शॉल में छुपे हुए हैं उन्हें भी बाहर निकालें। हो सकता है कि अगली पंक्तियां आपको जरूर पसंद आए, मैं पढ़ना चाहता हूं भगवा के दम पर जो हुआ हुआ लेकिन क्या होगा आने वाले समय में, किस भगवा के दम पर, इस भगवा के दम पर काशी में भी जतन होगा, इस भगवा के दम पर शिव नंदी का मिलन होगा, इस भगवा के दम पर मथुरा में भी जयकारा होगा, इस भगवा के दम पर जो हमारा था हमारा होगा, इस भगवा के दम पर बॉलीवुड घुटनों पर आएगा, इस भगवा के दम पर वह सच्ची संस्कृति अपनाएगा, इस भगवा के दम पर हम संपूर्ण शक्ति झोंकेंगे, इस भगवा के दम पर हम धर्म परिवर्तन रोकेंगे, इस भगवा के दम पर हम एक दिन भव्य जश्न करेंगे और इसी भगवा के दम पर हम लव जिहाद खत्म करेंगे। इसी भगवा के दम पर हम लव जिहाद खत्म करेंगे। और साहब कोई मुझसे पूछता है कि क्या है भगवा, इस मंच के एक छोटे कवि
जो मालवा की मिट्टी से चलकर हमारे बीच में आता है, जिसका नाम होता है भाई चेतन चारण, उसके शब्द शिल्प के निश्चित ही आप कायल होंगे जब वो इस माइक पर खड़ा होगा, अपनी आग उगलती हुई वाणी और शब्दों से आप तक के आपके दिलों तक पहुंचेगा, तो निश्चित ही आप ताली बजाने पर मजबूर होंगे। ये अंतिम पंक्तियां उसकी भूमिका में मैं पढ़ रहा हूँ। भाई चेतन चारण आलोरी गरवाड़ा रतनगढ़ नीमच मध्य प्रदेश मालवा की मिट्टी से चलकर हमारे बीच में आया है। उस कवि को मैं आवाज देता हूँ इन पंक्तियों के साथ। जब मुझसे कोई पूछता है कि क्या है भगवा, तब कहना चाहता हूँ क्या भगवा था, क्या है और क्या रहेगा, कि यह भगवा तो भगवान श्री राम को प्यारा था, यह भगवा तो श्री कृष्ण का दुलारा था, यह भगवा तो वीर शिवा की आंखों का तारा था, यह भगवा तो राणा प्रताप की विचारधारा था, यह भगवा तो हर हिंदू की आन बान शान है, यह भगवा तो इस वसुंधरा की पहचान है, यह भगवा तो हर संगी बजरंगी की शक्ति है, यह भगवा तो हर सनातनी की अभिव्यक्ति है, युगो युगो तक, युगो युगो तक, युगो युगो तक हर हिंदू सीना ठोक कर कहेगा, हृदय के एक कोने में तिरंगा तो एक में भगवा रहेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, युगो युगो तक हर हिंदू सीना ठोक कर कहेगा, हृदय के एक कोने में तिरंगा तो एक में भगवा रहेगा। मैं राम राम साहब, हिंदी और राजस्थानी कवि सम्मेलन वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल SLR वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन कल्पना लोक को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।